हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो, ये मॉर्निंग की चाय है। सुबह मैं आई और यहाँ पे मैंने चाय रखा बनाने के लिए। और आपको पता है, सुबह जो होती है ना, मेरी एक ऐसी आदत हो गई है कि बिना चाय की सुबह नहीं होती है। मैं हमेशा से ब्लॉग जो भी शेयर करती हूँ ना आप लोग साथ, आप लोग देखना, अधिकतर ब्लॉग में मेरा चाय ज़रूर मेंशन होगा। मैं मतलब कि टी लवर हूँ। मैं अपने लिए चाय ऐसे पीती हूँ, लेकिन जब मैं खुद चाय बनाती हूँ ना तो मैं एक्स्ट्रा भी चाय पी लेती हूँ, ऐसा हो जाता है। अदरक वाली चाय मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए पहले चाय बना लेते हैं। और सोचा मैंने कि आज ब्रेकफास्ट में है ना, मैं आलू का जो है पराठा बनाती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है और लहसुन प्याज तो अभी खाना नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि बिना लहसुन प्याज के भी अच्छी बनती है सब्ज़ी, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बनाना कि मैं सब्ज़ी बनाऊँ ऐसे। और वैसे भी 2-3 दिन और रह गए हैं, तो ठीक है, उसके बाद तो टाइम आ जाएगा लहसुन प्याज खाने का। एक आदत की बात होती है। बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो लहसुन प्याज तो खाते ही नहीं है कभी भी, किसी भी टाइम पे। तो उनको भी तो सब्ज़ी अच्छी लगती होगी, अच्छी बनाते होंगे। तो यहाँ पे मैं आलू रख रही हूँ उबालने के लिए। और आपको एक मैं बात बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि दी आपसे बात करनी है तो कैसे बात हो सकती है। तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। यस, मेरे पेज का नाम है कामनी अजीत सिंह। तो आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं देखती हूँ रिक्वेस्ट मैसेज और मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो आप अपनी बातें वहाँ पर रख देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगी और आप लोगों से बात कर लूँगी जो भी बात करनी होगी। और यहाँ पे आलू उबालने के लिए रखने के बाद यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही थी। मैंने बताया ना मैं कैसे आटा गूंथती हूँ। और उसके बाद मैं आई, सब कुछ जो है तैयारी करके रख दी और मैं ऊपर आई तो देखा पति देव जी जो है झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे तो इतना आश्चर्य हुआ, भाई साहब ये कैसे हो गया, तो दुनिया ही पलट गई। मैं हंसने लग गई। फिर ये कह रहे हैं क्या, अरे मैं आया ना गंदा था तो मेरा मन किया लगा दूँ। आपको पता है यहाँ काम हो रहा है तो इस वाले फ्लोर पे ना झाड़ू पोछा हो नहीं रहा ठीक से। मंदिर मंदिर में होता है कभी कभार, मैं जिस रूप में रहती हूँ हो जाता है, उसमें कभी कभार नहीं, उसमें तो हो ही जाता है। तो वही मैं इनसे बात करती, यार झाड़ू लगा रहे हो आज तो कयामत हो गई। और मैंने बुलाया हुआ है उनको, नीचे आई थी जो टेलर बोलते हैं ना जो सिलाई करती हैं उनको, कि मुझे अपना जो है ब्लाउज सूट साड़ी जो है सब कुछ स्टिच करवाना है तो आप आके ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो वो आई और मैंने उनको सिलने के लिए दिया। अब मैं आपको बता दूँ, आज है छठ पूजा। यस, छठ पूजा है और छठ पूजा की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। छठी मैया सब पर आशीर्वाद बनाए रखे, अपना हाथ रखे, मेरे सर पे भी अपना हाथ रखे, अपना आशीर्वाद दे, मेरे विश जो है उसे पूरी करें। और यहाँ पे मैं जो विश मांग रही हूँ उसका तो शायद आप लोगों में से किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। पता नहीं क्या क्या ही आप लोग बोलोगे, क्या सुनोगे। ये वही है जिनको मैंने बुलाया हुआ है सिलने के लिए। और इसमें जो ये येलो साड़ी दिख रहा है ना, इसका ब्लाउज जो था वो स्टिच था। मैंने उनको बोला हुआ था कि ये ब्लाउज में ना सिर्फ हल्का सा सिलाई करके साइड से और आप मुझे भेज देना, मुझे छठ पूजा है आज और मुझे पहनना है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं जल्दी से सिल के आपको भिजवा देती हूँ। और उसके बाद ये जो भी साड़ी थे, सूट थे, वो सब कुछ मैंने उनको दिया कि इसे आप सिल देना जब भी टाइम मिले आपको। और यहाँ पे देखो फिर पति देव जी। फिर नाश्ते का टाइम हुआ तो मैं नीचे आ गई, इसलिए छोड़ रखा था कि गर्म गर्म बना दूँगी ना, गर्म गर्म आलू के पराठे खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आके मैंने पराठे सेक लिए। छठी मैया को ना हम बहुत मानते हैं और हर बार ही अपने छठ पूजा में देखा होगा जो स्पेशली कार्तिक वाला होता है, मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, अर्घ का सामान लेने जाती हूँ और मुझे उन सब चीज़ों में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा हुआ था मैं प्रसाद बनाऊंगी आज। और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धोने के बाद क्योंकि हमारे जो काम करते हैं ना झाड़ू पोछा वो नहीं आए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। और मुझे ना हल्का हल्का सा जो है ना मेरे चेस्ट में पेन होने लग गया, थोड़ा सा नीचे साइड में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ये क्यों पेन हो रहा है। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है ठीक हो जाएगा, हो जाता है कभी कभी। तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया और मैं अपना काम करने लग गई। काम करने के बाद मैं गई नहाई वहाई।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत कर ली है मॉर्निंग में। मॉर्निंग के काम से शुरू किया था। आज नाश्ते में आलू का पराठा बनाया है। आगे मैं क्लिप जो है ऐड कर दूंगी इसके बाद। उसके बाद जो आगे के प्रोसेस है वो सारे ब्लॉग शेयर करूंगी। तो आज है छठ पूजा। तो छठ पूजा की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया जो है सबको दिल से आशीर्वाद, वो तो दिल से आशीर्वाद देती है, हमें बहुत सारा आशीर्वाद दें। अपना हाथ हमेशा बनाए रखें हमारे सर पे। कहते हैं ना, छठी मैया में बहुत ताकत होती है। और कोई भी भगवान होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो आज संडे है तो छुट्टी है सबका, सब लोग घर पे ही है। तो अभी मुझे प्रसाद भी बनाना है छठी मैया का, जो पूजा होगा ना वो प्रसाद बनाना है। तो अभी मैं जाऊँगी और प्रसाद बनाऊँगी, नहा लूँ पहले। सूट पहना है, देखती हूँ साड़ी पहनती हूँ कि नहीं। पूजा हमारा वहाँ पे होता है नीचे। माइक लगाने के लिए बोलते, मैं नहीं लगा पाती, करो फिर उसका खोलो लगाओ। जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाएगी ना तो मैं उसको ऐसी जगह पर रखूँगी कि बस निकालो और लगा लो। मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं आके यहाँ पे लेटी हुई थी और मुझे उसके बाद, ये शाम का टाइम है, मुझे लग रहा है 4 बजे से ये जो मेरा पेन है ना, ये ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो पतिदेव जी बोले कि चलो हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। मुझे बहुत देर से मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है और मैं सोच ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, पर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जी बोले हॉस्पिटल चलते हैं। तो सांस नहीं लिया जाए यार। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है, इनके दर्द हो रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे डॉक्टर क्या बोलते हैं। अभी इनको लेके जा रहा हूँ, ऊपर से बारिश भी हो रही है। अपडेट करता हूँ मैं आपको। गाइस देखो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रही हूँ और ये कह रहे कि रो के रहो। अभी चल रहे हैं ना, ऐसे दिक्कत हो रहा है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, सांस लेने में दिक्कत, हंसने में दिक्कत, तो सांस नहीं लिया जाए जा रहा। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है आज संडे है, तो संडे को इमरजेंसी वार्ड में ही देखते हो, और पेन भी बहुत ज़्यादा था तो इमरजेंसी में ही जाना था। तो हम वहाँ पे गए, जाते ही इन्होंने कई सारे टेस्ट किया मेरा। पहले तो मेरा बीपी देखा, फिर शुगर टेस्ट किया। मैं तो इतना डर गई थी, वो शुगर जो होता है इंस्टेंट जो होता है रिजल्ट वाला, हाथ पे जो सुई से मार के और ऐसे करते हैं, सब कुछ चेक किया। इसके बाद ECG जो होता है वो भी हुआ मेरा, क्योंकि शायद डाउट था डॉक्टर को कि हार्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है, कि कहीं मतलब हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। और उन्होंने बोला ही कि मतलब क्या हुआ, क्यों अचानक से इतना दर्द होने लग गया। मैंने उनको बताया इस टाइम से ऐसे हो रहा है, ये शायद मेरा यहाँ पे शुगर टेस्ट कर रही हैं। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे कोई पेन किलर दे दीजिए कैसे भी, कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मुझे घर जाना है। उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा ऐसे, कि आपका पेन बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना टेस्ट वगैरह, वो सब किया। और उसके बाद यहाँ पे मैं बाबू के साथ बात कर रही थी और मुझे कैनूला लगा, जिसके लिए मैंने बहुत मना किया उनको कि नहीं कैनूला नहीं लगाना है, मुझे ऐसी कोई इंजेक्शन दे दीजिए मैं चले जाऊँगा। उन्होंने बोला पेन फिर आपका रिलीफ नहीं होगा, नहीं जा पाओगे, ठीक नहीं हो पाओगे। फिर उन्होंने बोला कि मुझे लगाने दीजिए कैनूला और दवाई चढ़ाने दीजिए, तभी ठीक होगा। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ पूजा चल रहा था कि मुझे जाना है, एटलीस्ट आशीर्वाद लूँगी छठी मैया से। पतिदेव जी बोले कि आप परेशान ना हो, छठी मैया का आशीर्वाद रहा तो कुछ नहीं होगा, और छठी मैया तो अभी सुबह तक रहेंगी ना, अगर हम अभी चल लें तो अभी आप आशीर्वाद लेना, नहीं तो सुबह तक कैसे भी मैं आपको आशीर्वाद ज़रूर दिला दूँगा वहाँ पर ले चल के। मैंने फिर बोला ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतना पेन बढ़ता जा रहा था। उन्होंने बोला कि ये इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, और वही चीज़ यहाँ पे समझा रहे थे। तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं।
टिंग करो। आप बोल रहे थे कि नहीं सुनेगा कभी नहीं बेटा, लव यू। तो आपने क्या बोला था, मम्मा को स्ट्रॉन्ग बनना है? मम्मा डर रही थी इंजेक्शन से, कैनोला से डर रही थी। तो आपने स्ट्रॉन्ग बना दिया मम्मा को, मेरा बेटा पता नहीं कब बड़ा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब इतना अजीब सा फील हो रहा था वहाँ पे, वो मुझे हिम्मत दे रहा था, मम्मा ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया, उन्होंने बोला था। पहले हमने सोचा नहीं, हम अल्ट्रासाउंड नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर पतिदेव जी बोला कि नहीं अब आए हो ना, करवा लो कि कोई डाउट ना रहे। तो हमने बोला चलो ठीक है, करवा लेते। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर इसका रिपोर्ट तो वैसे अगले दिन आएगा, लेकिन वहाँ पे जब हम गए और पेन में थोड़ा सा रिलीफ हुआ हमारा, धीरे धीरे आराम हो रहा था, पूरी तरीके से आराम नहीं हुआ था। तो हमने बोला हमें घर जाना है, तो उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ, ओपीडी में आके जो है आप दिखा लेना, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट वगैरह ले लेना। और फॉर्म वगैरह पर उन्होंने साइन करवाया और उन्होंने बोला कि अभी जो आपकी स्थिति है, आपने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया है और टाइम पे खाना नहीं खाया है, जिसकी वजह से आपको ये पेन हो रहा है। क्योंकि अभी जो है, अभी हमें कुछ नहीं समझ में आया है, सारी चीज़ें जो है नॉर्मल लग रही है, वैसे कोई चीज़ नहीं है, आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि छठी मैया का आशीर्वाद हमारे सर पे है, हाथ पे है, कि देखो इतना पेन हुआ, हम इतने घबराए, इतने परेशान हुए, लेकिन कुछ भी नहीं निकला ऐसा कि हमें इतने परेशान होने की ज़रूरत है। और आगे भी भगवान माँ छठी माता चाहें तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरा ब्लड टेस्ट बाकी है, तो मुझे वो ब्लड टेस्ट करवाना है। और ये व्लॉग मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, जिससे कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ बातें हैं तो क्लियर हो जाएंगी। एंड बस आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और थोड़ा सा प्रे कीजिए भगवान जी से कि बस सब कुछ ठीक हो, और सब कुछ ठीक हो मतलब सब कुछ ठीक हो। मैं घर आके सो गई थी, और क्योंकि मुझे पेन किलर का डोज बहुत ज़्यादा दिया गया था, तो शायद उससे नींद आ रही थी जैसे भी। तो मॉर्निंग में आज मैं ये वीडियो जो एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाय बाय।